हे गाइस, वेलकम बैक टू द ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज की अपडेट में आप सभी का फिर से वेलकम है। सबसे पहले तो बिटकॉइन देखेंगे, फिर एडा देखेंगे, फिर आपसे कुछ इंटरेस्टिंग बात करनी। कार्डानो के आईसीओज वगैरह की लिस्ट है यहाँ पर, तो मैं आपको वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, cardanocrowd.com/ICO में वहाँ पर मिलेगा। तो कौन से आईसीओज हैं जो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और कौन से जो हैं अच्छे खासे हो सकते हैं आने वाले टाइम में, तो उनके बारे में बात कर लेंगे ज़रा सा। तो जो मेन चीज़ है वो तो हमारी बिटकॉइन की अपडेट है, ठीक। तो बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पहले टेलीग्राम से जुड़ जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वो चीज़ बिना कहे आपको कर देनी चाहिए अब तक तो वैसे। और अगर मैं यहाँ पर सब चीज़ें ड्राॅइंग्स और इंडिकेटर्स क्लोज करूँ तो बिटकॉइन का एक ये चार्ट मैंने जो है ड्रॉ किया था कल न्यू, एंड इसमें मैंने आपको 59,000 वाला एक सपोर्ट किया हुआ है, रखा हुआ है, और उसको हमने कितनी बार टेस्ट किया है आप देखोगे, ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। 1, 2, ठीक, 3, 4, तो ये जितनी बार भी हिट होगा उतनी बार और टूटने के इसके चांसेस है रेदर देन इसके मजबूत होने के, ठीक। बट ये एक बार टूट गया तो ये एक रेजिस्टेंस बहुत कम, बहुत ही क्या कैसा बन जाएगा, बहुत ही कमज़ोर नहीं, बहुत ही स्ट्रांग वाला रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि जो है सेलर्स जो हैं ख़त्म हो जाएंगे इवेंचुअली, जो यहाँ पर बेच रहे हैं या जहाँ पर जो शॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो लॉन्ग कर रहे हैं वो लोग अपना बेच देंगे अपने स्टॉप लॉस इस हिसाब से। चलिए उस चीज़ में नहीं जाते हैं, पहले सिंपल आपको एक चीज़ बताते हैं कि ट्रेंड लाइन एक यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे आप सिंपल, ठीक, सारी कैंडल्स को ज्वाइन करते हो तो उसके ऊपर का ब्रेकआउट के लिए मैंने कल ड्रॉ किया था, फाइनली वही मूवमेंट देखने को मिला है। तो बेसिकली हमारी जो ये कैंडल आज की है ये यहीं पे क्लोज हो जाए, इसी जगह पे क्लोज हो जाए तो हमारा फ़ायदा है, ठीक। अगर इसी कैंडल जो कैंडल है हमारी आज की वो इस जगह पे क्लोज़ हो जाए तो हमारे लिए बहुत बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन अगर इसके नीचे होती है तो हमारे लिए खतरा होगा। आप ज़रा देखो ये जो 4 आवर की कैंडल है एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन से इसको यहाँ पर देखो फॉलो कर रही है, ट्रेंड लाइन जो हमारी है, अगर मैं और जूम करके दिखाऊँ थोड़ा सा तो अब देखोगे हमारी ट्रेंड लाइन है और यहाँ से ऊपर की ओर ले रही है, ठीक। तो हमें जो मूवमेंट देखना है वो यही देखना है कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ये इवेंचुअली ब्रेकआउट करेगी। कुछ ही दिन बचे हैं मेरे ख्याल से, जो मेरी एनालिसिस कहती है वो यही कहती है कि हमारे पास अब थोड़ा ही टाइम बचा है कि हम आगे आने वाले टाइम में एक बड़ा प्राइस मूवमेंट देखें, या तो इस ट्रेंड लाइन के, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है ब्रेकआउट के बाद एक डंप आता है, उस एक डंप के बाद हमें एक अच्छा जो है प्राइस पम्प देखने को मिलेगा। हो सकता है हम डायरेक्टली ऊपर जाएँ, बट हु नोज। हम यहाँ से जो मेन चीज़ है वो यही होता है, जो पैटर्न बताता है वो ये बताता है कि यहाँ से हम हल्का सा डंप लें और इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर जाएं, ठीक। और हमारे लिए जो मेन जो लेवल है जिसको हमें ब्रेक करना है वो आपको पता है ये वाला है, जिसको अभी हमने टच किया था 67,000 वाला, और पहला जो लेवल है वो हमारा 63,800 के आसपास है, ठीक। एंड ये एक हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है 63,300 से 63,800 वाला, ये एक रेंज हमारा रेजिस्टेंस है। इससे हो सकता है आप शॉर्ट खेल सकते हो, अगर आपको प्राइस नीचे आता हुआ दिखे तो लेवरेज में शॉर्ट कर सकते हो, अगर आपको लॉन्ग होता हुआ दिखे, ब्रेकआउट होना होता हुआ दिखे, कैंडल क्लोज होता हुआ दिखे शॉर्ट टर्म में, तो आप लेवरेज करके लॉन्ग भी कर सकते हो। तो दो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी यहाँ पे बनेगी 63.3 पे, यहां पर आपकी बनेगी, ठीक। ये जो मैंने लाइन आपके लिए ड्रॉ करी, अब देखो प्राइस कितनी बार यहां पे आया है, एक दो, ठीक, तीसरा ये आया है, ठीक, 3 बार तो रिजेक्शन हुआ है यहाँ पर, ठीक। तो ये स्ट्रांग नहीं है, ये हो सकता है बायर्स यहाँ से ऊपर की ओर पुश कर जाए, तो ये एक स्ट्रांग नहीं, ये वीक हो रहा है जितनी बार टच हुआ है। तो वीक होने के बाद ये एक सपोर्ट अच्छा बनेगा जब हम ऊपर आ जाएंगे, इस एरिया के ऊपर आ जाएंगे, तो हमारा ये एक एरिया अच्छा सपोर्ट बनेगा, ठीक। अब नेक्स्ट मैं आपको कार्डानो के बारे में बताता हूँ। कार्डानो के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, कार्डानो के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसका एक्युमुलेशन हो रहा है बहुत ही ज़ोरों से हो रहा है, ठीक। अब आप कहोगे भाई को कैसे पता, आपको कैसे पता, भाई अंदर की बात आ रही है, अंदर की बात नहीं, सॉरी मैं कोई कौन सा वेल हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो कार्डानो का इस एरिया के बीच में बहुत ही अच्छा और तगड़ा वाला एक्युमुलेशन चल रहा है। इस एक जोन से बहुत से लोग लेवरेज भी खेल सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा आपका वो बन रहा है जिसको हम कहते हैं सपोर्ट, ठीक, बाउंस बैक एरिया जिसको हम कहते हैं। और एक तो ये बना और एक और बार यहाँ पर भी हमको डंप में देखने को मिला था, ये कब का, सितंबर वाला डंप में हमको कार्डानो यहाँ पे देखने को मिला था। तो कार्डानो का एक ये एरिया जो है बन रहा है, और आपको गौर से अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर भी एक और बार आया था ये 9 सितंबर के समय, और ये हमारा एक और बार आया था कब, 20 अगस्त के समय। तो सपोर्ट तो ये अच्छा है जिस एरिया में ये खेल रहा है, तो अगर आप
अगली बाइंग यहाँ पर आती है, कार्डानो नीचे आता है कुछ टाइम के लिए, जो मेरा एनालिसिस कहता है वो नीचे आएगा इस एरिया पे कुछ दिन के लिए रहेगा और इवेंचुअली ब्रेकआउट ऊपर की ओर करेगा। नवंबर में हम आ चुके हैं, नवंबर के मिड के ओर मेरा कुछ स्पेकुलेशन है कि कार्डानो एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा सेल ऑफ हुआ है इसमें कार्डानो में अच्छे लेवल में। ठीक, तो आप कार्डानो को एक्यूमुलेट करते जाओ, डीसीए कर सकते हो। ठीक, एंड ये एक अच्छे लेवल पे बैठा हुआ है फिलहाल के लिए ब्रेकआउट के लिए। ठीक, एंड कभी भी इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। आप चाहे आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये चीज़ जो दिखानी थी मेरे को, जो चीज़ मेन आपको दिखानी थी वो ये थी हमारी, कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बन रहा है हमारा एक बॉटम, ये टच किया एक बॉटम हमारा, ये टच किया। अगर मैं आपको इसको ड्राइंग में दिखाऊं तो ऐसे आप देखो कि फर्स्ट बॉटम देन सेकेंड बॉटम। ठीक, तो यहाँ से एक रिवर्सल भी हमें दिख सकता है, पोटेंशियल रिवर्सल यानी डबल बॉटम जिसको हम कहते हैं। ठीक, तो पोटेंशियल अगर रिवर्सल होता है तो ऊपर की ओर हमें मूवमेंट दिखेगा, एट लीस्ट टू द वेरी लीस्ट 2.2 हमारा प्राइस ज़रूर जाएगा, एंड नेक्स्ट हमारा जो है 2.3 की ओर। ठीक, एंड एडा को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था ऑल टाइम हाई को ट्रेस करते हुए एडा अभी भी बहुत ऊपर जाना है। कितना ऊपर जाना है ये एक लेवल मैंने आपको बताया था, $5 तक आराम से एडा जा सकता है जब इसके ऊपर डीएफ बननी शुरू हो जाएंगी। जब डीएफ की बात आई गई तो मैं आपको ये एक वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जो इन्फो देता है कि कार्डानो पे आ रहे आईसीओ कौन कौन से हैं। ये आईसीओ ऑब्वियसली आपको टोकन तभी मिलेंगे जब कार्डानो पे स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ लिस्ट होना। तो कार्डानो crowd.com/ICO एक वेबसाइट है, ये कोई भी पेड पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है, ये फिलहाल के लिए मैंने आज खुद ही देखा, अगर आपको सही लगे तो करना। एक 1-2-3 स्वैप करके आ रहा है जैसे हमारे यूनिस्वैप। अब आपको ये चीज़ मालूम होगी, इथेरियम का भी स्वैप है, ठीक, सोलाना का भी, रेडियम स्वैप है, सबके अपने स्वैप हैं। तो आपको पता है कार्डानो की ब्लॉकचेन पे भी स्वैप आने ही हैं, डीफाई प्रोटोकॉल तो आना है। तो दो मुझे पोटेंशियल दिख रहे हैं, एक तो ये हो गया हमारा, ठीक, जो कि ये हमारा हो गया संडे स्वैप। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी शायद किसी वीडियो में बताया था संडे स्वैप के बारे में, क्योंकि इनकी साइट भी प्रोफेशनल है, इनकी चीज़ें भी प्रोफेशनल है, वाइट पेपर वगैरह। एंटर ऐप में आप करोगे तो कमिंग सून दिखा रहा है, बट ये हो सकता है पोटेंशियल यूनिस्वैप की तरह, ये एक तो चलेगा। दूसरा अगर मैं आपको बताऊँ, आप यहाँ पे जाना संडे स्वैप पे, आप देख लेना क्या क्या चाहिए, कैसे आईसीओ वर्क कर रहा, तो वो सब आप देख लेना। यहाँ पर एक और चीज़ मुझे आपको दिखानी, एक मिन स्वैप हो गया, और भी यहाँ पर आप देखो कि कौन कौन सी वॉलेट्स आ रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं जो हमारे आने वाले समय में कार्डानो पे वर्क करेंगी और अच्छा लेकर जाएंगी कार्डानो को। तो दो तीन मुझे अच्छे दिख रहे हैं कि मिन स्वैप थोड़ा दिख रहा है देखने में, अगर ये क्या है देखने के लिए हमें वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, उसको भी देख लेते हैं कि वेबसाइट में आखिर है क्या। और एक्टिव आईसीओ अभी चल रहा है, यील्ड फार्मिंग वगैरह पे वर्क कर रहा है। नो, यहाँ पर एनीबडी कैन लिस्ट टोकन्स विदाउट परमिशन, एनीबडी कैन ट्रेड टोकन्स विदाउट KYC, आराम से कर सकता है। और इफ़ इट इज़ योर की इट इज़ योर मनी पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट विदाउट एवर लीविंग योर वॉलेट। तो ये एक तरह से वैसे ही होगा हमारा, देख लीजिए वेबसाइट तो ठीक लग रही है, बाकी इन्होंने लॉन्च पैड वगैरह, बाकी टोकन डिस्ट्रीब्यूशन भी डाला हुआ है, और इनका भी शायद ICO चल रहा है। ठीक, और कंपनी की टीम वगैरह आप जाके देख लेना पूरा का पूरा, वो चीज़ें भी आपको जाननी चाहिए क्या है क्या नहीं है। तो ये सब चीज़ें कुछ लग रहे हैं मुझे पोटेंशियल जो हो सकते हैं आने वाले टाइम में वर्क करेंगे। ठीक, तो ये ऐप मिन स्वैप की हो गई, एक हो गया संडे स्वैप, ये दो ICOs जो हैं पोटेंशियल लग रहे हैं आने वाले टाइम में, जब कार्डानो की लॉन्चिंग हुई तब अच्छा आपको दे सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती हो, चैनल को सब्सक्राइब मारो यार, एंड जल्दी से जल्दी हम लोगों को और भी ग्रोथ करके दिखाओ, एंड अपने पोर्टफोलियो की तो ग्रोथ करनी है, चैनल की भी ग्रोथ करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।